Students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to discuss what is sex ratio, what social factors have affected the decline of sex ratio. आज हमें पहले हम पढ़ेंगे sex ratio क्या होता है. Sex ratio is defined. Sex ratio is defined as the number of females per 1,000 males Sex ratio is defined as the number of females per 1,000 males. यानी ये number of females हम लेते हैं per 1,000 हमें लेते हैं per 1,000 males लेते हैं. In any study of population analysis, sex ratio plays a vital role. अगर हमें कोई भी पॉपुलेशन एनालिसिस करनी होती है तो ये जो सेक्स रेशियो है इट प्लेज एन वेटर रोल. द मेजर ट्रेंड्स इन सेक्स रेशियो इन द कंट्री फ्रॉम 1991 ऑनवर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड इन द टेबल. हम ये टेबल बनाएंगे, इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे कंट्री में 1991 से लेकर ऑनवर्ड्स हम ये टेबल रिप्रेजेंट करेंगे. इसमें हम पहले लेंगे ईयर और इसके बाद लेंगे हम दूसरा कॉलम, इसमें मेल इन मिलियन, नंबर ऑफ मेल्स इन मिलियन मिलियन, और तीसरा कॉलम इसमें आएंगे फीमेल, फीमेल इन मिलियन, और चौथा कॉलम इसमें आएगा जेंडर रेशियो, फीमेल का पर 1,000 मेल क्या हो. ऐसे ऐसे हम इसके कॉलम बनाएंगे. पहले आएगा ईयर, इसके बाद आएगा मेल इन मिलियंस यानी पर 1,000 मेल, और इसमें आएगा पर 1,000 मेल में नंबर ऑफ फीमेल, और चौथा आएगा जेंडर रेशियो पर 1,000 मेल ऑफ फीमेल. अगर हम 1991 की बात करेंगे तो इसमें आएगा, मान लो कि इसमें मेल इन मिलियंस है 438 है 1,000 में से मेल, और फीमेल मान लिया है 406 है, और इसका सेक्स रेशियो आता है 927. इसका मतलब है 900 अगर मेल यहाँ 1,000 है तो नंबर ऑफ फीमेल है 927, क्योंकि हम ये जो लेते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स ये पर 1,000 होते हैं. अगर मेल की तदाद 1,000 होगी तो मान लो कि इसमें फीमेल 987 आएंगे. इसी तरह अगर हम लेंगे 2001 की बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ मेल्स है 531 और नंबर ऑफ फीमेल्स है 496 है इसमें, और इसका जेंडर रेशियो आता है 933 यानी पर 1,000 आता है 933. अगर मेल 1,000 होंगे तो इसमें जो होते हैं ये फीमेल 933 पर 1,000 आते हैं. अब हम देखेंगे सोशल फैक्टर्स रिलेटेड इट इज डिक्लाइन. सोशल फैक्टर्स रिलेटेड इट इज डिक्लाइन
यानी वो क्या सोशल फैक्टर्स हैं जो ये सेक्स रेशो को डिक्लाइन करते हैं, कम करते हैं। इन इंडिया साइको कल्चरल फैक्टर इज मोर रेस्पॉन्सिबल, यहाँ जो इन इंडिया सोशो कल्चरल फैक्टर, सोशो कल्चरल फैक्टर इज मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स रेशो डिक्लाइन, सच एज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पेट्रोचरी विच डिनाइज इवन रिप्रोडक्टिव और फर्टिलिटी राइट्स टू वुमेन। ये जो पेट रॉचरी जो है, इट इज रेस्पॉन्स इट डिनाइज द राइट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव और फर्टिलिटी ऑफ वुमेन। ये जो सिस्टम है इससे जो वुमेन के रिप्रोडक्टिव और फर्टिलिटी राइट्स होते हैं ये डिनाई हो जाते हैं। दस हैज बीन रिजल्टेड इन सन प्रेफरेंस एंड फीमेल फेटिसाइड्स। इस पेट्रोलॉजी किससे क्या होता है, ये जो होता है ये प्रेफरेंस देता है किसको, सन प्रेफरेंस, ये बेटे को प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंस, और फीमेल को क्या करते हैं, फेटिसाइड। यानी इस पेट्रोलॉजी से हम देखते हैं पहले ही अगर सन होगा तो हम उसको प्रेफर करते हैं, अगर फीमेल होगा तो हम इसको क्या कहते हैं, फेटिसाइड। दिस इज डन थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये प्रैक्टिस हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से करते हैं कि एक माँ के कोख में क्या है, बेटा है या बेटी है, इसको हम पहले ही जो करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लाइक हम करते हैं इसको अल्ट्रासोनोग्राफी USG हम इसको करते हैं, स्कैनिंग इसको हम करते हैं, वगैरह वगैरह। बिसाइड्स दिस वुमेन आर ट्रीटेड एज दलितस, इसके अलावा जो वुमेन होते हैं ये दलितों से ज्यादा, जैसे कि हिंदू लोग दलितस को ट्रीट करते हैं, सेम इज द केस इन अवर सोसाइटी विथ वुमेन सेक्स, एंड इनफीरियर इन दियर फैमिलीज बाय पेरेंट्स इन लॉज एंड इवन बाय दियर हस्बैंड। और हम इस वुमेन को इनफीरियर चाहे वो बेटी हो क्या हो, हम इसको इनफीरियर कंसिडर करते हैं, इवन विद पेरेंट्स भी इसको इनफीरियर करते तस्वर करते हैं, इन लॉज भी इसको इनफीरियर तस्वर करते हैं, एंड इवन दो हस्बैंड भी इसको इनफीरियर तस्वर करता है, जैसा कि हिंदू लोग दलित इसको तस्वर करते हैं। सॉलिस स्लेवरी, चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन ऑन विडो रीमैरिज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डिक्लाइनिंग ऑफ सेक्स रेशियो इन इंडिया। जो स्लेवरी होती है, चाइल्ड मैरिज और प्रोहिबिशन ऑन विडो रीमैरिज, अगर कोई विडो हो जाएगी उस पर भी बैन लग जाती है, उसको रीमैरिज की इजाजत नहीं होती है। दे ऑल आर रेस्पॉन्सिबल इन द डिक्लाइनिंग ऑफ सेक्स रेशियो, ऑल दीज आर रेस्पॉन्सिबल इन डिक्लाइनिंग ऑफ सेक्स रेशियो। सेक्स रेशो पर्टिकुलरली इन इंडिया, अब हमने देखा है इंडिया में सेक्स रेशो के कौन कौन से जो कारण थी। नंबर पहले हमने देखा जो वुमेन है दे आर कंसिडर्ड एज दलितस, इनफीरियर बाय दियर पेरेंट्स, बाय दियर इन लॉज, बाय दियर हस्बैंड्स,
एटसेट्रा। एंड जो है चाइल्ड मैरिज है, प्रोहिबिशन ऑन विडो रिमैरिज, दीज आर द रीजन इज इन द डिक्लाइनिंग ऑफ सेक्स रेशियो। थैंक्स, हैव अ नाइस।